नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। एचडीएफसी बैंक सिंगापुर के अंदर अपने काम को बढ़ाने को लेकर के इस समय लाइसेंस के लिए काफ़ी अनुरोध कर रही है। साथ में ही कंपनी ने कुछ स्टॉक एम्प्लॉय ऑप्शन के थ्रू भी स्टॉक अलॉट करें, तो ये दोनों ही खबर को समझे से पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक सिक्स सिंगापुर बैंक लाइसेंस टू ग्रो ओवरसीज आफ्टर लैंडमार्क मर्जर। ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद सिंगापुर में खुद को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी लाइसेंस की मांग कर रही है, ये एक बड़ी खबर रही है। और दूसरा देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू कंपनी ने लगभग 1,00,000 शेयर 1573 पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू अलॉट करे हैं, ये दो खबर रही है। इसके अलावा टेक्निकल स्टॉक में एक कंसोलिडेट पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, मंथली ट्रेंड पे आउट परफॉर्म रहा। डिलीवरी देखेंगे तो बेटर दिख रहा है, आज के वॉल्यूम 64 लाख के हैं, लेकिन टेक्निकली जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेली टाइम फ्रेम पे एक माइनर रेजिस्टेंस 1600 का होगा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। टेक्निकली वीकनेस जो है 154 के नीचे, वीकनेस तो बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेंड स्ट्रांग है। 1600 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद फिर हम बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे जो 1720 से लेकर के 2000 के लेवल्स दिखाएगा। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, 154 के नीचे ही वीक ट्रेंड को लेंगे तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी के लिए इस स्टॉक में आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं।